हाय एवरीवन, हियर इज अ क्विक मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो हमारे लकी नंबर है या फिर मैं बोलूं डेस्टिनी नंबर है, ये सभी हमारी लाइफ में बहुत इंपैक्ट करते हैं। 2024 के लिए आपके लिए न्यूमरोलॉजी बेसिस पे प्रिडिक्शन करने वाली हूँ। सो आई होप यू गाइज विल गोना रेजोनेट एंड विल बी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। ये आपके लिए न्यूमरोलॉजी। हेलो नंबर 9, आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट अगर आप इन डेट ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हैं। सो ये प्रिडिक्शन आपके लिए है न्यूमरोलॉजी वाइज, आपके लिए 2024 कैसा रहेगा जान लेते हैं। टू ऑफ कप नंबर 9 आप सभी के लिए बहुत ही लकी आ रहा है, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर यू आर कनेक्टिंग विद योर सोलमेट। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर जहां पे कपल एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप, लव, रोमांस एंड इवन नॉट्स मीन्स मैरिज और कमिटमेंट एंड एंगेजमेंट। ओके, एज पर टू ऑफ कप यहाँ पे पार्टनरशिप दिख रही है और यू आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, मीन्स आप अकेला फील नहीं करेंगे। देर इज ऑलवेज बी यूनिटी, देर इज ऑलवेज बी यूनियनशिप। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हम बात करें टू ऑफ कप, आपकी खुद का सन एंड मून मीन्स आपके इमोशंस एंड आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है और सोल, सो ये कनेक्टेड आ रही है, बैलेंस आ रही है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैलेंस ईयर जहाँ पे आप पेशेंस में हैं, हैप्पी हैं एंड यू आर फाइंडिंग की सारी चीजों को आप अच्छे से हैंडल कर ले रहे हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो दिस इज रियली नाइस। यू कैन सी द सन एंड मून हेयर, ये दोनों चीजें आपके लिए बैलेंस हो रही हैं। सो टैलेंट हो, स्किल्स हो, फीलिंग्स एंड इमोशन है, वो सारी चीजें ही आप अच्छे से हैंडल करेंगे और खुश होंगे। प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फॉर यू। सो आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट। शेयर इट विद एवरीबॉडी जो इन डेट ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हैं एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इफ यू आर रेजोनेटिंग विद इट। बाय, टेक केयर।